करण सूचक ने टेलीविजन इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम कमाया है। इन्होंने काफी शोज में काम किया है, तो चलिए जानते हैं करण सूचक अब तक किन किन टीवी शोज में नजर आए हैं। करण सूचक ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2013 में की थी। सबसे पहले स्टेबलिस के पॉपुलर सीरियल एक हजारों में मेरी बहना है में संभव मलिक का रोल करते नजर आए थे। इसके बाद ये लाइफ ओके के शो सवित्री एक प्रेम कहानी में विक्रांत की भूमिका निभाते दिखाई दिए। जी टीवी के पॉपुलर सीरियल पवित्र रिश्ता में इन्होंने शेखर गुप्ता का रोल किया। स्टार प्लस के पॉपुलर माइथोलॉजिकल शो महाभारत में इन्होंने द्रुपद पुत्र धृष्टद्युमन का रोल किया। सोनी पल के शो सिंहासन 32 में किंग विक्रमादित्य का रोल करते नजर आए, इसमें इन्होंने लीड रोल किया। जी टीवी के सीरियल महारक्षक देवी में इन्होंने इंस्पेक्टर नागरथ और नारद की भूमिका निभाई। स्टार प्लस के पॉपुलर शो सिया के राम में इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। सोनी टीवी के शो पेशवा बाजीराव में इन्होंने ग्रोवन अप बाजीराव की भूमिका निभाई। एंड टीवी के शो मेरी हानिकारक बीवी में इन्होंने अखिलेश पांडे का लीड रोल किया। लाइफ ओके के शो दो दिल एक जान में इन्होंने अंशुमन की भूमिका निभाई। कलर्स टीवी के सीरियल ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा में इन्होंने गौतम का रोल किया। कलर्स के ही शो थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी में इन्होंने डॉक्टर अनुराग बासु की भूमिका निभाई है, इसमें भी एक मेन रोल करते नजर आते हैं। तो ये है करण सूचक के अब तक के सभी टीवी शोज की लिस्ट। आपको इनका कौन सा सीरियल पसंद है हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।